दिन सुनियो नोबिता के पास आता है और उसको कहता है कि मुझे ग्राउंड में एक चीज दिखी है, शायद वह एक स्पीशीज है, आओ चलो उसे ढूंढते हैं। नोबिता मान जाता है और ये दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। सुनियो कहता है, नोबिता वह उस पाइप में है। वह दोनों पाइप के पास पहुंचते हैं और नोबिता उस पाइप के अंदर देखे बगैर ही लकड़ी से हमला कर देता है, पर उस पाइप में कोई भी स्पीशीज नहीं थी, बल्कि वहां पर एक कुत्ता था जो कि नोबिता पर अटैक कर देता है। सुनियो तो नोबिता के ऊपर हंस रहा था। नोबिता भागते हुए एक पार्क में आ जाता है। फिर उसके पास जियान भागते हुए आता है और कहता है, नोबिता मैंने वहां पर डोरेमोन को देखा। नोबिता एकदम से मान जाता है और फुल स्पीड से भागते हुए अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो वहां पर डोरेमोन नहीं था। तो नोबिता को लगता है कि शायद डोरेमोन शर्मा रहा है और वह इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए अपने जमा किए हुए पैसे इकट्ठे करके उसके लिए डोरा केक लेने चला जाता है। रास्ते में उसे जियान और सुनियो मिल जाते हैं। तो जियान पूछता है, नोबिता क्या तुम्हें डोरेमोन दिखा? नोबिता कहता है, नहीं असल में वह शर्मा रहा है, इसलिए मैं उन पैसों से उसके लिए डोरा केक लेने जा रहा हूँ। जियान कहता है, तुम कितने बुद्धू हो, हमने बस तुम्हारे साथ मजाक किया था, आज अप्रैल फूल डे है गधे। ये सुनने के बाद नोबिता को सदमा सा लग जाता है। वह बहुत रोता है। घर आने के बाद जब वह अकेला बैठा था तभी उसके ऊपर एक चीज गिरती है जो कि डोरेमोन का एक गैजेट था जो डोरेमोन ने जाने से पहले छोड़ा था। गैजेट के अंदर एक पोर्शन होता है और उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ था कि इसको पीने के बाद जो भी तुम कहोगे वह सच हो जाएगा। तो नोबिता उसको पूरा पी लेता है और फिर जियान सुनियो के पास आता है। जियान और सुनियो कहते हैं, क्या तुम भी हमारे साथ कोई मजाक करने के लिए आए हो? नोबिता कुछ नहीं कहता और उसे पाइप में घुसकर कहता है कि कितनी खराब मौसम है, तो वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है जिससे जियान और सुनियो पूरा भीग जाते हैं। फिर नोबिता कहता है, मौसम कितना अच्छा है, तो मौसम फिर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। जियान और सुनियो गुस्से से नोबिता के पास आते हैं। नोबिता बाहर निकलकर सुनियो से कहता है, तुम्हें कुत्ता काटने वाला है, और सच में सुनियो को एक कुत्ता काट लेता है। फिर नोबिता जियान से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मॉम मारने वाली है। ये सुनकर जियान वहां से भागता है। तभी जियान की मॉम वहां पर आकर जियान को पीटना शुरू कर देती है और उसके बाद उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है। नोबिता तो यहां पर हंस रहा था और अब वह काफी खुश भी था। तभी उसको डोरेमोन की याद आ जाती है और उससे वह गैजेट गिर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।